नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको आज बताने वाला हूँ जो आपके ग्रुप फोर के एग्जाम हुए फर्स्ट शिफ्ट का, दोस्तों यहाँ पर एनालिसिस आपको बताने वाला हूँ। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें। तो 15 जुलाई शिफ्ट वन, 100 अंकों में से दोस्तों यहाँ पर क्या क्या पूछा गया है, बिल्कुल सटीक जानकारी और सटीक क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आगामी एनालिसिस के लिए आपको यहाँ पर मैं वीडियो प्रोवाइड करा सकूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और आपको आज की फर्स्ट शिफ्ट में 15 जुलाई की क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए और पेपर कैसा था, आप उसे देख के अंदाजा भी लगा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, यहां पर पहला हम बात कर लेते हैं, ये आप देख सकते हैं, ग्रुप फोर 2023 एग्जाम एनालिसिस 15 जुलाई फर्स्ट शिफ्ट। तो यहाँ पर जीके जीएस में बात कर लें तो आप यहाँ पर देख पाएंगे जो क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था आज की, संविधान की प्रस्तावना कितनी बार संशोधित की जा चुकी है। तो इसका जो आंसर है दोस्तों, एक, जो संविधान की प्रस्तावना है वो एक बार संशोधित की जा चुकी है। दूसरा प्रश्न यहाँ पर पूछा गया था दोस्तों कि गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हूणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था, तो वो थे स्कंद गुप्त। याद रखेंगे, और इस तरह के क्वेश्चन आज 15 जुलाई फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए हैं। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर था कि जो सानिया मिर्जा हैं उनने हाल ही में किस खेल से संन्यास लेने की घोषणा की है और वो किस खेल से संबंधित हैं। तो दोस्तों, सभी को पता है सानिया मिर्जा जो है वो टेनिस खेलती हैं, टेनिस खेल से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था कि मध्य प्रदेश का कौन सा शहर है जिसे रॉयल शहर कहा जाता है या रॉयल शहर के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों जो आंसर लोगों ने लगाया है, ये जो था उस हिसाब से माना जाए तो जो भोपाल शहर है वो रॉयल शहर के नाम से जाना जाता है। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था, आप देख सकते हैं, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत का कौन सा स्थान था। यानी कि दोस्तों, आप देख सकते हैं कि जो आज प्रश्न है वहां पर आपके जो प्रश्न है, यहाँ पर एक प्रश्न आपका स्पोर्ट्स से बना, एक प्रश्न आपका ये शहर से बना, और दूसरा आपका ये तीसरा जो प्रश्न है सूचकांक से बना। यानी कि आगामी जो परीक्षा है, एक प्रश्न आपका सूचकांक से भी आ सकता है। तो यहाँ पर विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 22 में भारत का जो स्थान था वो 150वां था। कौन सा दोस्तों? 150वां स्थान था। अगला क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर पूछा था दोस्तों कि भोपाल में सांची जाने पर क्या आपको कर्क रेखा पार करनी पड़ती है, हाँ या नहीं पर जवाब देना था। कि जब आप भोपाल जाते हैं या भोपाल से सांची जाने पर आपको कर्क रेखा पार करना पड़ता है या नहीं करना पड़ता है, तो आंसर जो है आपका दोस्तों सही में हो जाएगा, यानी कि पार आपको करना पड़ता है। बात कर लें कंप्यूटर में दोस्तों किस प्रकार के क्वेश्चन आए थे। तो पहली बात करें तो आपका दोस्तों फुल फॉर्म से करीब यहां पर आपके दो क्वेश्चन पूछे गए थे। पहला आपका जो क्वेश्चन एक प्रकार से पूछा गया था दोस्तों, बेसिक का फुल फॉर्म पूछा गया था और बायोस का फुल फॉर्म पूछा गया था, जो कि आपका बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है। वहीं पर एमएस ऑफिस से प्रश्न बने थे, इंटरनेट से एक प्रश्न आया था, एमएस वर्ड से आपका एक प्रश्न था, सॉफ्टवेयर से प्रश्न आया था, आउटपुट इनपुट से प्रश्न आया था, और दोस्तों यहाँ पर एक शॉर्टकट की भी पूछी गई थी। याद रखेंगे तो आपको शॉर्टकट की भी पूछ के जाना है। यहाँ पर एफटीपी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का भी दोस्तों यहाँ पर आपका जो फुल फॉर्म है वो पूछा गया था, आईसीएमपी का फुल फॉर्म आपको यहाँ पर पूछा गया था, सी भाषा का जो आविष्कार है किसने किया था तो ये भी पूछा गया था। तो जो सी लैंग्वेज है, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, उसका जो आविष्कार है डेनिस रिची ने किया था, आप इसको भी याद रखेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, बेसिक का फुल फॉर्म पूछा गया था, बिगिनर ऑल पर्पस सिंबल इंस्ट्रक्शन कोड यहाँ पर होता है। एमएस एक्सेल से दोस्तों यहाँ पर फुल फॉर्म पूछा गया था, रैम से क्वेश्चन आपका कंप्यूटर में बना था, आप ये देख लेंगे। उसके साथ साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो आपका दोस्तों कुछ क्वेश्चन जो आपके बने थे, आपके गैल्वनीकरण से था, मौर्य साम्राज्य से प्रश्न आया था, हर्षवर्धन खगोलीय पिंड और गुरुत्वाकर्षण से जो आपके प्रश्न थे वो थे। बात कर लें हिंदी में तो हिंदी में दोस्तों आपको जो है शब्द शक्ति पूछा गया था, शब्द शक्ति आपका पूछा गया था हिंदी में। शब्द शक्ति के बाद आपका कर्मवाच, कृतवाच और भाववाच इससे प्रश्न आए थे। विलोम से एक दो प्रश्न पूछे गए हैं। शुद्ध और अशुद्ध से आपके प्रश्न आए हुए थे आज की फर्स्ट शिफ्ट में 15 जुलाई। यहाँ पर पैरा जंबल जो हिंदी में भी दोस्तों रहता है, क्रम जमाने वाला, वो आपसे एक प्रश्न यहाँ पर पूछा था।
अब बात कर लेते हैं दोस्तों इंग्लिश में क्या क्या प्रश्न पूछे गए थे। तो यहाँ पर इंग्लिश में आपका दोस्तों डायरेक्ट इनडायरेक्ट पूछा गया था, एरर्स पूछे गए थे, पी क्यू आर एस के यहाँ पर करीब 2 क्वेश्चन आए हुए थे, वोकैब के दोस्तों यहाँ पर 1 क्वेश्चन रहा है। वहीं पर मैथ में बात कर ले, मैथ में कौन कौन से टॉपिक्स के प्रश्न आए थे, तो ये टॉपिक्स लिखे हुए हैं आप देख सकते हैं दोस्तों। आपके अनुपात अनुपात और समानुपात से प्रश्न था, कार्य समय से 2 से 3 प्रश्न यहाँ पर बने थे, औसत से आपके प्रश्न बनाए गए थे आज, लाभ हानि से प्रश्न बना था सीआईएसआई, उसके साथ एलजेब्रा से प्रश्न बने थे, सीआईएसआई जैसे कि बताया यहाँ पर 2 प्रश्न बने थे, बैठक व्यवस्था सिटिंग अरेंजमेंट से यहाँ पर आपके प्रश्न बने थे, उसके साथ साथ रैंकिंग सीरीज से प्रश्न बना था, लुप्त संख्या यानी कि लुप्त संख्या ज्ञात करें कोडिंग डिकोडिंग टाइप में, और कोडिंग डिकोडिंग भी प्रश्न बना था। ये जो है दोस्तों ये आपके बीच में रीजनिंग के जो प्रश्न है वो मिक्स किए गए थे। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर लें, चैनल पर पहली बार थे तो सब्सक्राइब दोस्तों जरूर करें, ताकि आने वाले समय में लोगों से और जो एग्जाम देने स्टूडेंट गए हैं उनसे प्रश्न पूछ के मैं आपको यहाँ पर जानकारी दे सकूं, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि प्रश्न किस टाइप के और किस तरीके से पूछे जा रहे हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें जो भी ग्रुप 4 का एग्जाम देने जा रहे हैं, और जो एग्जाम दे चुके हैं तो दोस्तों हमारे यूट्यूब हमारे मेल में आप प्रश्न भी सेंड कर सकते हैं।